खुशी होती है जिस तरह की फिल्म है कि बहुत मुश्किल होता है कि ऑडियंस वेदर ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट और नॉट, क्योंकि हमेशा ट्रांसजेंडर पे जैसे ही फिल्म बनती है तो कॉमेडियन होते हैं या फिर बैगर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट ये लोग नॉर्मल, सेंस ऑफ ब्यूटी बहुत ज़्यादा है उनमें और खूबसूरती के पुजारी हैं इस तरह से, और फिल्म को भी इस तरह से ही दिखाएगा, बहुत रॉयल बहुत गॉर्जियस तरीके से, तो जब इस तरह की फिल्म अप्रिशिएट करते हैं तो हमें खुशी होती है, दुगना खुशी होती है कि इसके पहले बहुत सारी फीचर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेस ने बनाया। मिराज एंटरटेनमेंट्स शुरू हुई और उनकी पहली इशू मदन जी पालीवाल ने पहला इशू किन्नरों का उठाया, क्योंकि उन्हें बहुत सहानुभूति थी और वो चाहते कि कुछ ये समाज के लिए समाज में कुछ बेहतर हो, और लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल में इसको 6 अवार्ड्स मिले। और ये जब अवार्ड मिला तो ये अवार्ड मतलब एक बात, ये इंडियन प्रोडक्शन हाउस है और इसमें असली किन्नरों ने काम किया। सीमा बिस्वास ये पहली लेडीज औरत होंगी जो बॉलीवुड में एक किन्नर का रोल बहुत बाखूबी अच्छी तरीके से बड़ी सम्मान्य तरीके से निभाया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सी आफ्टर ऑल वी गॉट अ रिकग्निशन, कि हम लोग कभी भी कुछ काम करते हैं उसका अवार्ड मिले या रिकग्निशन मिले तो एक इंस्पिरेशन मिल जाती है, एक बूस्टअप मिल जाता है। आई थिंक बॉलीवुड या जो ये फिल्म इंडस्ट्री है ये एक समाज को कुछ देना चाहिए, समाज के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए कि जो इश्यूज है वो हम लोगों को मासेस के सामने लाने चाहिए। तो शायद मैं ये काम करना चाहूँगी और ऐसे ऐसे मूवी देना चाहूँगी कि लोग उसको सराहे, सारा वर्ल्ड सराहे। पहली फिल्म के लिए अगर 6 अवार्ड्स मिले तो आई थिंक इट्स अ बिग एनकरेजमेंट फॉर देम आल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा से जब तक बाहर वाले नहीं कहते कि आप लोग बहुत अच्छे हो तब तक घर वाले नहीं कहते, ये मेरे ख्याल से श्राप है, इस श्राप को हटा लेना चाहिए। फिर तो मेरे ख्याल से हम हमेशा से वहाँ थे, है ना, अवकाश तो हमारे यहाँ भी है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर लगती है और कुछ नहीं, इसलिए ये अवार्ड चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपके आपके काम को अपनी कलाकृति को अगर सराहना हो तो अवार्ड्स की ज़रूरत होती है, और मैं खुशी की बात है कि आप एक्टर्स को अवार्ड मिले हैं, टेक्निकल टीम को अवार्ड मिले हैं, एक फिल्म को अवार्ड मिले। देखो दो किस्म की फिल्मों को बहुत सराहा जाता है, एक होता है जिसमें बहुत बड़ा स्टार हो, उसे आपके लिए कुछ करना नहीं पड़ता भैया, वो आ जाता है लोग देख जाते हैं। फिर दूसरे किस्म की वो फिल्में होती हैं जहाँ पर इंटरनेशनली जिनसे एक अक्लेम मिल जाता है आपको, और उसके लिए आप हो सकते हैं बहुत सारे कष्ट करें, आप मीडिया से उन तक पहुँचे या हो सकता है किसी और तरीके से पहुँचे, पर जब कोई अवार्ड मिलता है तब आपका एग्जिस्टेंस आपका अस्तित्व वहाँ पर खड़ा रहता है, तो जाहिर है फर्क तो पड़ेगा। मेरे लिए ऑनेस्टली बताऊं कि अवार्ड मेरे लिए वही अवार्ड होगा जब ऑडियंस एक्सेप्ट करेंगे उसको, यू नो लाइक खुशी होती है तब कि ऑडियंस उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो हमको लगता है कि बिगेस्ट अवार्ड वी गॉट। सो बट ये होप करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बाहर अगर बाहर से रिस्पॉन्स मिलने के बाद या अवार्ड्स पाने के बाद अगर लोग देखना चाहें, बट देखें ज़रूर फिल्म को।